नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आपका। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच में एक बड़ा इनकाउंटर हुआ था, जहां मंगलवार को जवानों की टीम ने जिन 13 नक्सलियों को मार गिराया, 5 की पहचान पुलिस ने कर ली है। ये सभी इलाके के टॉप नक्सली बताए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में मारे गए 13 में से 5 नक्सलियों की पहचान हो पाई है। बता दें कि 3 अप्रैल 2021 को नक्सलियों ने टेकलगुड़ा में सीआरपीएफ के जवानों पर हमला किया था। घटना में 22 जवानों की शहादत हुई थी। इस घटना को हुए 3 साल हो गए, मगर जवानों ने अपने साथियों की शहादत का बदला लेते हुए 13 नक्सलियों को ढेर कर दिया। मंगलवार को बीजापुर के कोरचोली और लेंड्रा के जंगलों में गंगालूर एरिया कमेटी के नक्सलियों की मुठभेड़ हुई थी। इनमें जवानों ने 13 नक्सलियों को मार गिराया था। इनके पास से कई ऑटोमेटिक हथियार बरामद किए थे। मारे गए नक्सलियों के शव को जवानों ने बरामद तो कर लिया था, लेकिन नक्सलियों की पहचान बाकी थी। 13 में से 5 नक्सलियों की शिनाख्ती कर ली गई है। इनमें नक्सलियों की कंपनी नंबर 2 PPCM, PLGA सुखराम हेमला, हुंगा परसी, हुंगा कुजाम, सितक्का, दुल्ला सोनू शामिल हैं। ये सभी इलाके के टॉप नक्सली हैं, कई बड़ी घटनाओं को अंजाम देने में शामिल रहे हैं। बाकी 8 नक्सलियों की पहचान पुलिस अभी कर रही है। मारे गए नक्सलियों में 3 महिला नक्सली भी शामिल हैं। नक्सलियों की TCOC क्या होता है, उसी को आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। TCOC यानी कि टेक्निकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन, TCOC एक टर्म होता है, जिसके दौरान नक्सल संगठन अपनी बदली हुई रणनीति के साथ फोर्स पर हमला करते हैं। गोरिल्ला युद्ध में दक्ष नक्सली संगठन पतझड़ शुरू होते ही काफ़ी ज़्यादा आक्रामक हो जाते हैं। बीते 2 दशक की बात करें तो TCOC के दौरान बस्तर में मवाद संगठन ने बड़ी हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया है। इनमें साल 2010 में ताड़मेटला में 76 जवान की शहादत हो गई थी और मई 2013 में झीरम नरसंहार जैसी हद विराधक घटना शामिल है। बीते दशक में नक्सलियों के बड़े हमलों से सुरक्षा बलों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। हालांकि अब हालात धीरे धीरे बदल रहे हैं। यह पहली बार है जब TCOC के दौरान नक्सली संगठन को अपने गढ़ में ही मुँह की खानी पड़ी है। इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक जवानों ने करीब 43 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। इनमें से करीब 25 नक्सली को TCOC के दौरान ही इनकाउंटर में मार गिराया गया है। इसके अलावा 181 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 120 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। नक्सल मोर्चे पर पुलिस की इस बड़ी सफलता के पीछे नक्सलियों के अवैध इलाकों में नए कैंप की स्थापना को बड़ी वजह बताया जा रहा है, जिससे नक्सल संगठन की पकड़ अपने आधार इलाकों में कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। बीजापुर और गंगालूर इलाका, जिसे कभी नक्सलियों की अघोषित उपराजधानी भी कहा जाता था, अब यहाँ मुतवेंडी, कावड़गांव, डुमरी पल्लनार के अलावा बीजापुर सुकमा जिले के सरहदी इलाके टेकुलगुड़म गुड़ेम के साथ दुदाद नक्सली हिडमा के गढ़ उसके गांव पूर्ववर्ती में फोर्स ने नया कैंप बना लिया है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे जवानों ने नक्सलियों को नेस्ताबूत कर दिया। 2 अप्रैल को हुए बड़े ऑपरेशन के लिए सुरक्षा बलों ने खास तैयारी की। नक्सलियों के लड़ाकू दस्ते को जो है नेस्ताबूत करने के लिए जवानों ने चौतरफा घेराबंदी कर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। मुतवेंडी, पालनार, गंगालूर, बासागुड़ा और चेरपाल से सुरक्षा बलों के जवान हथियार से लैस होकर जंगल में दाखिल हो गए। कोर इलाकों में दाखिल होते ही इनका सामना नक्सलियों से हो गया। अत्याधुनिक हथियार से लैस नक्सलियों ने जवानों पर हमला बोला, लेकिन नक्सलियों के सुरक्षा कवच को भेदते जवानों ने 13 नक्सलियों को मौके पर ही ढेर कर दिया। सुबह 6 बजे से शुरू हुई मुठभेड़ पूरे दिन जारी रही। TCOC के बीच जवानों की युद्ध नीति नक्सलियों पर भारी पड़ गई और 6 नक्सलियों को ढेर करने के बाद साल के सबसे बड़े इनकाउंटर को अंजाम देने में जवान जो है वो सफल रहे।